तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गुजरात से आने के बाद मैं दिवाली का व्लॉग अपलोड करने लगा, तो मैं अभी गुजरात का थोड़ा सा ट्रिप का व्लॉग अपलोड किया हूँ। और ये देखिए, हम लोग अभी सोमनाथ में है और इस जगह का नाम है बाल गंगेश्वर समुद्र शिवलिंग। और यहाँ पे देखिए, मैं जलाभिषेक कर रहा हूँ शिवलिंग का। और यहाँ पे दो तीन शिवलिंग है और अभी हम लोग एकदम फर्स्ट वाले शिवलिंग पे है। मुझे ये बहुत ओम नमः शिवाय। और इसी के साथ हम लोग पहुँच गए बाल का तीर्थ। और ये बस सोचेगा कोई शिवलिंग है, ये भी स्कूल है। और ये देखिए कितना अच्छा नक्काशी, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। ये एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। तो मैं आपको अंदर चल के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी कराऊंगा। वैसे बहुत अच्छा नक्काशी आर्किटेक्चर है, देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए सामने भगवान श्री कृष्ण है। और ये देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये वो वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और ये जरा है जिसने भगवान श्री कृष्ण का तीर मारा था। वो जरा एक्चुअली पिछले जन्म में बाली था, तो राम जी ने कहा था कि मैं इसका कर जरूर अपने अगले जन्म में चुकाऊंगा। तो यहाँ का यही स्टोरी है। अब मैं आपको फाइनल दर्शन एक बार कराता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। यह वृक्ष भी है, ये बहुत पुराना वृक्ष है, मुझे ऐसे सुनने को मिला है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे दीप लगा दे इस वृक्ष के नीचे। ये जरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।